पाकिस्तान के लिए आज एक टफ दिन था, इसलिए कि उनको पहले बॉल से लेके आखिरी बॉल तक फाइट करनी पड़ी, पहले बॉल के साथ फिर बैट के साथ। बॉल में फाइट इसलिए कि धनंजय जो थे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और टेल के साथ भी बहुत अच्छा खेले, और 300 से पहले आउट करना चाहिए था। इनफैक्ट ये इनिंग्स जो है श्रीलंका की शायद 200 में लुढ़क जानी चाहिए थी या 225 में, क्योंकि 4 या 5 विकेटें गिर गई थी उनकी 60 रन पे, और वहां से ये टीम जो है श्रीलंका की वापस आई है। धनंजय को क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत आला सुकून के साथ उन्होंने सेंचुरी लगाई, और फिर बैटिंग जो पाकिस्तान ने की वो टॉप ऑर्डर के लुढ़कने से बहुत प्रेशर पड़ गया, और बड़ी मुद्दत और देर के बाद ऐसा दिखा कि जो है ये भंवर में फंस गई है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप। और अगर ये साउथ शकील और आगा सलमान ना वो इनिंग्स खेलते और ना पार्टनरशिप 120 रन की लगाते तो मामला बहुत ही टेढ़ा था और ये मैच शायद पाकिस्तान के हाथ से आज ही निकल जाता। मगर अभी पाकिस्तान इस मैच में बने हुए हैं, इसलिए कि कहीं ये 300 के करीब पहुंच गए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्रार और पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो श्रीलंका को जल्द आउट कर सकेगा। 3rd, 4th और 5th डे में जो कहानी है वो ओपन हो जाएगी। सो हर बॉल पे फाइट कल करने की जरूरत है, आसान काम नहीं होगा, मुश्किल काम है, इसलिए कि श्रीलंका के पास बॉल स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो इसलिए भी प्रेशर में आ गई क्योंकि एक तो एक्यूरेट लेफ्ट आर्म स्पिन देखनी पड़ी और उनको खेलनी पड़ी, और दूसरा ये कि ज्यादा वो प्रेशर में इसलिए आ गए कि जो स्ट्रेटर बॉल हो रहा था स्पिनर्स की तरफ से वो पकड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सो किश्ती जो थी वो भंवर में फंस गई। यहाँ तो पीछे आपको कोई किश्ती नजर नहीं आ रही है क्योंकि चौपी वाटर्स तो हैं मगर किश्ती नहीं है, और पाकिस्तान की जो किश्ती है वो शुरू में भंवर में फंस गई और उसको पार लगाया आज के दिन के लिए साउथ शकील और आगा सलमान ने। बड़ी नीट एंड क्लीन बैटिंग की दोनों ने, क्लियर हेडेड थे, कोई प्रेशर नहीं लिया उन्होंने और प्रेजेंट मोमेंट में रहे। कई दफा ऐसा होता है कि आप खराब सोच रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो क्या होगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा। सो उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर मेरिट के ऊपर तसल्ली के साथ कदमों का इस्तेमाल भी किया, उनके स्पिन अटैक को नलिफाई किया, उसके जो खतरा था, और उसके बाद लंबी पार्टनरशिप की। दोनों यंग प्लेयर्स हैं, दोनों के पास बहुत पोटेंशियल है। साउथ शकील जो है वो नंबर 5 पे एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब है। इतने 50 उन्होंने कर दिए, शायद अगर अगले टेस्ट मैच में एक और 50 कर लेते हैं तो 6 या 7 कंसेक्यूटिव 50s करने वाले वो पहले बैट्समैन या बैटर आजकल कहते हैं वो बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड जो है ये शायद 6 या 7 50 का है, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे कंसिस्टेंसी की ये कहानी है। और उन्होंने भी धनंजय की तरह बैटिंग की, लेट बॉल को खेलते हैं, हाथ से स्पिन को रीड करते हैं और उनके पास ऑप्शन स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा है, कदमों का इस्तेमाल भी है, स्वीप शॉट भी खेलते हैं, सिंगल्स बहुत अच्छे दोनों ने निकाले जिससे कि प्रेशर पड़ा श्रीलंका पे। और गुमसुम से देखे जो लास्ट सेशन में ऐसे लगा कि श्रीलंका के पास ना प्लान बी है ना प्लान सी है और उनको समझ नहीं आ रही थी अब वो करें क्या, इतनी अच्छी यह पार्टनरशिप थी। पाकिस्तान को 300 रन के पास पहुंचना है, अगर लीड मिल जाती है तो क्या ही कहने, अगर बचत भी हो जाती है क्योंकि अभी भी 90 रन के करीब पीछे पीछे हैं। सो कोशिश यही करनी है ये पार्टनरशिप और चले, टेल को फाइट करनी है क्योंकि अगर ये करीब पहुंचते हैं श्रीलंका के तो मैच ओपन हो जाता है क्योंकि जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है वो डे 3 डे 4 डे 5 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रार जो है उनका गेंद और ज्यादा स्पिन होगा, उनको बाउंस भी मिलेगा, और इसी तरह से जो हमारा पेसर्स हैं दोनों वो बहुत अच्छे और काबिल हैं। सो ये मैच खुल जाता है, पाकिस्तान को कोशिश फिर से करनी है पहले 2 घंटे में कि किसी ना किसी तरह से साउथ शकील और आगा जो है इस टीम को संभाला देते रहे और अपने प्रोग्रेस के साथ पाकिस्तान को विक्ट्री तक पहुंचाएं। पहली इनिंग्स का स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे जो है वो आसमान भी नजर आ रहा है आपको और समुंदर भी नजर आ रहा है, ये व्यू है कमरे से, और गोल जैसा स्टेशन जो है क्रिकेट के लिए भी शानदार है और डेस्टिनेशन के लिए भी शानदार है, बट अभी तो डेस्टिनेशन पाकिस्तान की जो है वो इन चौपी वाटर्स में ऐसा लगता है कि उनकी नाव फंसी हुई है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि दलेरी के साथ खेलेंगे और प्रेजेंट मोमेंट पे रह के कोशिश अपनी बेहतरीन करेंगे, टेल एंडर्स को साथ निभाना है अब सेट बैट्समैन का, और कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी ना किसी तरह से 300 स्कोर तक पहुंचे।